भारत में शाया होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तस्करा मिलता है वो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल के अवतार की बाबत अपने इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाले मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपने इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी किताब में दरअसल ये एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। सो पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा करते हैं कि इस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचा उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों इनको अब किसी और काल के अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से मदरजा जेल हवाले दलील के साथ पेश भी किए हैं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा है कि काल के अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलिमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशगोई का इत्तला सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल के अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमानब होगा, जबकि संस्कृत जबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचा अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानब का मतलब अमन है जो कि अरबी जबान में आमिना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लकब इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 5, वेद के मुताबिक काल के अवतार अपनी सरजमीन के मौजज़ खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मौजज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान थी। नंबर 6, हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खसूसी कासिद के जरिए गार में पढ़ाएगा। इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल के जरिए तालीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल के अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो जमीनों आसमानों की सैर कराएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफर इस पेशगोई का मिसदाक बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नंबर 8, नेज लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल के अवतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंगे बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई। नंबर 9, हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि काल के अवतार घुड़सवारी तीरंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है।
وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچیوں سے مسلح کال کے اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کے اوتار کے واضح اشارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کال کے اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ اس کو اتنا پھیلائیں کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ کم از کم اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں۔